सिविक एजुकेशन का आपने अक्सर सुना होगा ये क्या है आज हम गुफ्तु में आपको ये तसुर और इस तस्वर को कैसे अपनाया जा सकता है उसकी वजाहत करेंगे बुनियादी तौर पर शहरीत के तस्वर के साथ जुड़ा हुआ ये एक पहलू है जो आम शहरीत का तवुर है वो तो ये है कि आप किसी मुल्क में पैदा होते हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है आप जब स्कूल जाते हैं अगर खुशकिस्मत हो तो फिर आपको पढ़ने का मौका मिलता है जब आपकी तालीम मुकम्मल होती है नौकरी की तलाश में पढ़ते हैं तो शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल मिलता है आ, राइट टू वोट मिलता है हक रायदही का 18 साल की उम्र में और फिर जब हम इस फ़ानी दुनिया में अपना वक्त गुजार के चले जाते हैं तो जो शहरीत के हवाले से दस्तावेज़ है वो आपको नहीं आपके लवाहकिन को मिलती है उसे डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं लेकिन जो सिविक एजुकेशन है उस शहरीत के तस्वर में कि आपको एक तारीख़ जो आपकी तारीख़ पैदाइश है उससे लेकर इस सारी फ़ानी ज़िंदगी में आपको जो वक्त अपने समाज में अपने मुल्क में अपने इधारों में गुजारने का मौका मिलता है उसमें आप क्या करते हैं क्या हिस्सा डालते हैं उनकी बेहतरी के लिए और अपने लोगों की बेहतरी के लिए तो ये चीज़ सिविक एजुकेशन है जो स्कॉलर्स हैं सिविक एजुकेशन के वो इसके बारे में कहते हैं कि इसके तीन जुज़्ज़ हैं पहला जुज् है कि आपके पास नॉलेज हो नॉलेज हो अपने मुल्क के बारे में अपने मुल्क के सॉफ्टवेयर के बारे में आप सोच रहे होंगे कि मुल्क का सॉफ्टवेयर तो जी दस्तूर पाकिस्तान पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर है हर मुल्क का अपना दस्तूर होता है जिसके तहत उसके जुग्राफ़िए तयन होता है उसकी रियासत के मिजाज का तयन होता है उसमें शहरीों के हकूक़ क्या हैं बुनियादी हकूक़ का बाब होता है रियासत किस मिजाज की होगी शहरियों के लिए क्या कुछ करेगी और इदारों का निज़ाम क्या होगा पार्लिमानी होगा सदारती होगा सूबाई सतह पे इकदार मिलेगा या मकामी सतह पे इख्तियार मिलेगा ये सब बातें और फिर इंतज़ामिया कैसी होगी अदलिया कैसी होगी इंतखाबात कैसे होंगे ये सब बातें इस सॉफ्टवेयर में दस्तूर में लिखी हुई होती हैं तो ये दस्तूर पाकिस्तान है तो नॉलेज पार्ट में हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा मुल्क क्या है उसका तारीख़ी तहजीबी सकाफती मजहबी वरसा क्या है ये तो हम तारीख़ में पढ़ते हैं लेकिन आज हमें इस मुल्क को कैसे चलाना है उसके लिए हमारे पास ये सॉफ़्टवेयर है दूसरी पहलू जो मुख्तफ़ स्कॉलर्स इसके बारे में ज़िक्र करते हैं वो स्किल्स का है वैसे तो हर इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी महारतें चाहिए होती हैं बहुत सारी सलाहियतें चाहिए होती हैं तो आपने बात कैसे करनी है आपने अपना नुक़ः नज़र कैसे तश्कील देना है आपने अपने मुतालबात की वकालत कैसे करनी है अगर आपको कोई काम करने का मौक़ा मिला है तो आपने वो काम कैसे करके दिखाना है कामयाबी के साथ तो इसको हम महारत या स्किल्स कहते हैं और तीसरा पहलू जो सिविक एजुकेशन के हवाले से है उसे डिस्पोजिशंस या हैबिट्स ऑफ हार्ट दिल की आदतें कि आप ये ऐसा क्यों करेंगे इंसान तो बाज़ात हम कबाइली समाज को देखें तो अपनी ज़ात तक महदूद होता है वो अपने समाज में अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है तो एक तड़प दिल के अंदर से पैदा होती है कि मुझे अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाना है मुझे अपने मुल्क में बसने वाले लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लानी है तो ये एक आज़ादी की तड़प होती है ये एक तब्दीली की ख्वाहिश होती है ये एक खूब से खूब तरह की जस्तजू होती है माशरे को एक बेहतर बनाने का जदोजहद होती है तो ये जो दिल की तड़प है ये सिविक एजुकेशन का तीसरा पहलू है अगर हम इन तीनों चीज़ों को मिला के देखें तो सिविक एजुकेशन के बारे में कहा जा सकता है कि ये दो तरह से हो सकती है एक तो आपकी किताब में हो आपके निसाब में हो आपके स्कूल में हो आ, तो लाजमी बात है उसे आप रटा भी लगा सकते हैं उसे आप समझ भी सकते हैं और इम्तहान में अच्छे बुरे नंबर लेके पास होके सर्टिफाइड शहरी जिस तरह आपको दूसरे सर्टिफिकेट्स मिले लेकिन एक तबका फ़िक्र ऐसा भी है कि अगर हम जो चीज़ पढ़ते हैं हम उसका सिर्फ दस से पंद्रह फ़ीसद अपने जहन में महफूज कर पाते हैं अगर जो हम सुनते हैं उसका कोई बीस पच्चीस फ़ीसद लेकिन जो हम करके दिखाते हैं उसमें 50 फ़ीसद से ज़्यादा वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं इसे लर्निंग कौन कहते हैं तो एक नुक्ता नज़र ये भी है कि सिविक एजुकेशन हमारी गैरनसाबी सरगर्मियों में होनी चाहिए कि मसलन क्लास का मॉनिटर है टीचर अगर उसे अपॉइंट कर दे तो वो तो तलेब इमों का ख्याल नहीं रखेगा वो तो टीचर की बात मानेगा लेकिन हमने चुनना मोनीटर कोई है लेकिन अगर उसे क्लास में बैठे हुए तमाम बच्चे वोट दे के मंतखब करें तो यकीन वो आपकी बात भी सुनेगा आपके मुतालबात भी सुनेगा और आपके साथ बना के रखेगा तो नतीजा एक ही है कि क्लास को मॉनिटर चुनना है एक तरीका ये है कि ऊपर से नामज़द कर दिया जाए आपके ऊपर उसकी धाक बिठा दी जाए और दूसरा ये है कि दोस्ती में गुफ्तु करके एक दूसरे की राय के बाद वोट के साथ आप इस अपने मॉनिटर का इंतब करें तो ये एक पहलू होता है जो शहरी रियासत के अमूर में हिस्सा लेना शुरू करते हैं आप सोच सकते हैं आप लिख सकते हैं आप बात कर सकते हैं आप पढ़ सकते हैं लेकिन एक अमली चाबी आपको उस वक्त मिलती है जब आप 18 साल के होते हैं और 18 साल की उम्र में जाके आपको वोट देने का हक़ मिलता है और ये वो चाबी है कि अगर आप अपनी हकूमत से खुश नहीं हैं जो लोग आपके ऊपर हुक्मरान हैं उनसे खुश नहीं हैं तो इंतहाई पुरअमन तरीके से जाके आप अपना वोट डाल के अपनी पसंद की हकूमत ला सकते हैं अब इसको फिर जोड़ते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए आप वोट कर रहे हैं उसका मंशूर क्या है उसका विज़न क्या है वो क्या उसका विज़न और आपके जो ख्वाब हैं उनमें कोई आपस का रबता है नहीं है आ, इसके लिए आपको फिर सलाहियतों की ज़रूरत पड़ेगी कॉम्प्रिहशन की तफहीम की पढ़ने की मुकालमा करने की कि आप डायलॉग करके दोस्तों के साथ मुख्तलिफ लोगों के साथ आप अपने नुक़ नज़र को ज़्यादा वज़नी बनाएंगे। दूसरी बात आ, ये आती है कि आज हमारे तालीमी इतारों में जो बच्चे मौजूद हैं मैं उन्हें खुशकिस्मत बच्चे कहता हूँ वो इसलिए कि आज भी बावजूद इसके कि सॉफ़्टवेयर में लिखा हुआ है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ए में कि पाँच से सोलह साल का बच्चा तालीमी इदारे में होगा लेकिन हर बच्चा खुशकिस्मत नहीं है तो आपके ऊपर दोहरी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप ख़ुद भी पढ़ें और आपके इलाके में वो बच्चे जो किसी वजह से मुआशी मजबूरियाँ स्कूल नहीं है या ज, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं तो आप उनको भी समझाएंगे क्योंकि शहरी वो भी बराबर हैं उन्हें भी वोट का उतना ही हक हासिल है तो वो अगर बग़ैर सोचे समझे फ़ैसला करेंगे और आप सोच के करेंगे तो यहाँ पे आप हैबिट ऑफ हार्ट्स को लाएंगे कि आप में तड़प होनी चाहिए कि मेरी पूरी कम्युनिटी को अच्छा फैसला करना चाहिए अब आते हैं आ, सिविक एजुकेशन के बारे में तो आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा इसमें और चीज़ें भी आ सकती हैं पहले ये हमारी किताबों में होता था फिर बाद में जब हमारे मुल्क में सियासी फराज़ आए तो किताबों से चला गया आज हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि जो जमहूरीत है उसकी छूबियाँ हैं चौदह खामियाँ है। और आमरीत उसकी छः खामियाँ और चौदह ख़ूबियाँ अब मेरी तरह आम सा रियाजी का बंदा तो ये कहेगा कि फिर जिसकी ख़ूबियाँ ज़्यादा है उसकी तरफ जाया जाए तो इसलिए ए, सिविक एजुकेशन क्योंकि मुझे बताती थी कि मेरे लिए कौन सा निज़ाम अच्छा है मेरे पे किसी को हुक्मरानी करने का हक हासिल है जो मेरे ख्वाबों को ताबीर दे सकता है और अगर नहीं देगा तो मैं उसे अपने वोट की क़ुत से घर भेज सकता हूँ तो इसलिए सिविक्स का मजमून ही ख़त्म कर दिया गया आजकल हम फिर वकालत करते हैं कि इसे पढ़ाया जाए कम अज़ कम मेरे बुनियादी हकूक़ का बाब आ, हमारी किताबों में हो और ज़्यादातर सरगर्मियाँ जिस तरह आप ये मुख्तल फिल्म देखते हैं उन पर बात करते हैं अपनी सोचों को बेहतर बनाते हैं तो इस तरह गैरनसाबी सरगर्मियों की सूरत में हम सिविक एजुकेशन करते हैं अब मैं आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताऊंगा कि जिसका मैंने इब्तदा में जिक्र किया था वो दस्तूर है पाकिस्तान है हमारे दस्तूर की इब्तदा उसका आर्टिकल नंबर एक पता है क्या कहता है वो कहता है कि पाकिस्तान एक वफाकी जमहूर होगा जिसका नाम इस्लामी जमहूर पाकिस्तान होगा हम अक्सर पढ़ते हैं कि जब इंसान रूह पहले तश्कील पाती है और फिर इस जिस्म में बुत में बाद में आती है तो दस्तूर ने सॉफ्टवेयर ने जो पहली बात की वो इस मुल्क की रूह के बारे में की वो रूह क्या है कि पाकिस्तान वफाकी होगा और जमहूरिया होगा वफाकी इसलिए होगा कि सदियों से ये तारीख़ी ख़त्ता मोहनजो हड़प्पा टेक्सला गंदारा मेहरगढ़ तहजीबी तौर पे मौजूद है यहाँ लोग बसते थे इंडस सिविलाइजेशन तो हमें देखना ये होगा कि अब जब हमने 14 अगस्त 1947 को मुल्क बनाया है तो ये तमाम सूबों ने मिल फ़ैसला किया और हर सूबे की असम्बली में कई जगह पे रेफरेंडम हुआ कई जगह पे असम्बली ने वोट डाला कि हम वफाकी मुल्क होंगे और अगर आपने कायद अज़म के चौदह नकात पढ़े हैं जो कि इम्तहान के लिए आपको अक्सर याद करने पड़ते होंगे तो उसमें है सिंध को मुंबई सेलहदा सूबा बनाओ तो क्या मतलब है कि सिंध को अलहदा से सूबे का इख्तीार दो बल्कि आखिरी नुकते में तो ये यहाँ तक कहा है कायद अजम ने कि आइन में या सॉफ्टवेयर में कोई तब्दीली करनी है तो उसके लिए भी राय आपको बों से भी लेनी पड़ेगी वो अगरचे हमने कभी नहीं ली और अब हमारे पास एक सेनेट का अदारा है जिसमें तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है तो कायद अज़म के चौदह नक में से वो नुकता भी थोड़ा सा पूरा होता है और फिर आगे है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ पाकिस्तान रिपब्लिक होगा जमहूरिया होगा जमहूरिया का क्या मतलब होता है कि जिसमें आपके वोट की क़वत से कूमत बनेगी आपके वोट की कुवत से हकूमत घर जाएगी और अगर किसी हकूमत ने आपके लिए ज़बरदस्त काम कर डाला है तो आप उसे दोबारा मौका दे सकते हैं कि भाई आप इतना अच्छा काम किया है तो हम आपको और ज़्यादा वक्त देते यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि हकूमत के पास जो पैसे हैं वो सारे के सारे हमारे हैं हकूमत के पास कोई ऐसा दरख्त नहीं है जिस पर पैसे उगते हों पैसे हमारे माँ बाप हम लोग मेहनत करके कमाते हैं उसमें से हम टैक्स देते हैं मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदते वक्त टैक्स और अगर हमारी आमदन इतनी हो कि उसके ऊपर इनकम टैक्स लगे तो वो भी हम देते हैं फिर हकूमत का काम है कि वो हमारे पैसों से हमारी बेहतरी के लिए हमारे लिए काम करे सड़क बनाए स्कूल बनाए हॉस्पिटल बनाए पार्क बनाए पीने का साफ पानी लाए हमारे कूड़े करकट को ठिकाने लगाए हमारा दिफा करे हमारे लिए ऐसे मौा पैदा करे कि हम कारोबार कर सकें हम जिंदगी के सारे मामल कर सकें तो ये हम जो बहुत तालियां बजाते हैं कि शुक्रिया आपने हमारे लिए ये किया तो हम बहुत सादा हैं ये हमारे ही पैसे हैं और हमने ही अपने वोटों से उन्हें इसका अमीन बनाया तो सिविक एजुकेशन का जो नॉलेज पार्ट है उसमें हमें पता होना चाहिए और हमारे पास ये स्किल होनी चाहिए कि हम पूछ सकें कि हम हमारे पैसों से हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं इसी जो दस्तूर के सॉफ्टवेयर में अगला है पहलू वो है कि पाकिस्तान किस इलाके का नाम है क्योंकि जोग्राफिया अगर मुतन ना हो तो फिर पता ही नहीं चलेगा हमने तारीख में देखा कि कोई भी उठ के कहे कि यह इलाका मेरा है तो माजी में तो जंगें होती थी लेकिन अब यह तय दस्तूर में कर दिया जाता है कि इस जग्राफिए का नाम पाकिस्तान है और हमारे जुग्राफिए का नाम है सिंध पंजाब बलूचिस्तान खैबर पखतुनख्वा और वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद आइन में ये गुंजाइश रखी गई है कि कई इलाके पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं मसल चंद दिन पहले तक सबका फाटा का भी जिक्र था कबायली इलाकों का लेकिन जब वो खैबर पख्तूनखा में हो गया तो अब वो खैबर पख्त वो आइन से काट दिया गया जिस दिन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए गिलगित बल्तिस्तान बाकायदा सूबा बन जाए तो उनका भी ज़िक्र दस्तूर में आ जाएगा दस्तूर में अगली बात जो कि इंतहाई अहम है और ये इसके दिबाचे में भी लिखी हुई है कि रियासत के सारे अमूर मनतखब नुमाइंदे चलाएँगे आपको मालूम है कि हमारे पास कौमी असम्बली है जिसमें तीन सौ बयालीस अरकान हैं और तीन सौ बयालीस अरकान में से दो सौ बहत्तर का बर रास्त एलेक्शन होता है आप देखें कि दो सौ बहत्तर लोग पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की नुमाइंदगी करते हैं हर इलाके का अपना एम एन ए और उसके बाद हमारे पास एक सौ चार सैनिटर्स हैं जो कि अब अगले इंतबात जब होंगे तो सौ रह जाएंगे क्योंकि फाटा के आठ सैनिटर्स बारी बारी करके ख़त्म हो जाएंगे और ये इसमें तमाम सूबों के बराबर हैं और चार लोग इस्लामाबाद से फिर हमारे पास सूबाई असम्बलियाँ मसलन अगर आप पंजाब में रहते हैं तो वहाँ तीन सौ इकहत्तर अरकान हैं आ, मैं कौमी के बारे में एक बात बताता चलूँ कि दो सौ बहत्तर पर इलेक्शन होता है क्योंकि ख़वान को आ, सियासी शमूलियत के मौके कम मिलते हैं तो साठ नशस्तें हमने आ, उनके लिए मखसूस की हैं और मज़हबी अकलीतों के लिए दस नशस्तें तो कुल तादाद तीन सौ बयालीस बन जाती है इसी तरह सुबह में अगर आप पंजाब में रहते हैं तो वहाँ पे तीन सौ इकहत्तर अरकान हैं सिंध में एक सौ अड़सठ खैबर पखतुन में एक सौ पैंतालीस और बलोचिस्तान में पैंसठ तो ये कुल पार्लिमानी आबादी पाकिस्तान की कोई ग्यारह सौ पचानवे लोग बनती है और उसके ज़रिए वो पूरे मुल्क के लिए सोचते हैं आप कहेंगे कि ये करते क्या हैं पार्लियामेंट का लफज निकला है पार्लर से के बात करना ये हमारे मौजुआ मसाइल पे सूरत हाल पर बात करते हैं मुबा करते हैं और फिर एक अच्छे नतीजे पे पहुँचते हैं और जब ये अच्छे नतीजे पे पहुँचते हैं तो जिस तरह हमारा ज़हन हमारे लिए सोचता है फिर वो मुख्तलिफ पैगाम देता है मतलब हमारा नर्वस सिस्टम है तो मैं इनतज़ामिया को साइकोमोटिव के हाथ पाँव कहता हूँ दिमाग ने सोचा हाथ पाँव ने काम किया लेकिन हम कभी कभार बीमार भी हो जाते हैं दिमाग कोई और फ़ैसला कर रहा होता है हाथ पाँव कहीं और चल रहे होते हैं इसे फालज कहते हैं अपाहज हो जाना कहते हैं तो फिर इलाज के लिए एक फैसला करने के लिए हमने अदलिया बनाई तो तीन चीज़ें हैं जो रियासत के वज़न को मतवाज़न रखती हैं सबसे पहले मुंतखब लोग जिनके बारे में दस्तूर ने चला कहा कि रियासत के तमाम अमूर वो चलाएंगे सोचेंगे बात करेंगे और उन्हें हम चुनेंगे फिर वो काम करने के लिए इंतज़ामिया जो सी एस एस का मुकाबले का इम्तहान देकर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान देकर टेस्ट इंटरव्यू देकर और आप ही के पैसे वो किसी दरख्त पे नहीं हो गए थे आप ही के पैसों से उनको तनख्वाह दी जाती है कि वो आपकी ख़िदमत करें आपके मुख्तलिफ अमूर निभाएं और अगर सोचा कुछ गया है हो कुछ रहा है तो फिर क्या होता है फिर हम अदालत के दरवाज़े पे दस्तक देते हैं और उसके लिए इंसाफ मांगते हैं कि जी लिखा तो ये गया था वादा तो ये किया गया था सॉफ्टवेयर के अलावा दस्तूर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है कि कहा तो ये गया था लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा तो कहा गया था बच्चों को तालीम मिलेगी मुझे मालूम तक रसाई का हक़ होगा मेरी ज़िंदगी की हरमत होगी मेरे इलाकों में यकसां तरक्की होगी वो नहीं हो रहा तो फिर आप पिटिश करते हैं अदालत में और फिर अदालत फैसला देती है वो हुक्म देती है कि ये कानून आपने ग़लत बनाया है वो इंतज़ामिया को कहती है कि ये काम आपने ग़लत किया है इसके साथ नासाफी हुई उस बुनियाद पर फ़ैसला होता है तो ये है मोटी मोटी बात सिविक एजुकेशन के बारे में उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी और जितना ज़रूरी है इस चीज़ को आ, अगर आप चाहते हैं कि आप एक मतहरक या फाल शहरी हो तो आपको सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि आप अपने दस्तूर का मताल करें ये कौमी असम्बली की वेबसाइट पे भी है ये सेनेट की वेबसाइट पे भी है ये कई और हकूमती वेबसाइट्स पे भी है मैं वेबसाइट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी तरह दस्तूर पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं आजकल की नई नस्ल ज़्यादा अपने लैपटॉप्स और उस पर देखती है तो आप उसे देखें मैं आपको इसमें एक नुस्खा भी बताता हूँ कि आप जो आयन के पहले सात आर्टिकल हैं वो पढ़ लें आपको पता चल जाएगा कि रियासत क्या है रियासत का मिजाज क्या है रियासत को करना क्या है और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लोगों के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए कोई काम करें तो आप अगले 40 आर्टिकल्स तक पढ़ लें जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या करना है और पाकिस्तान ने आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने अपने ख्वाबों को ताबीर तलाश करने के लिए क्या क्या मौाक़े देने हैं और जहाँ जहाँ कहीं कोताही है हमने उस पर आवाज़ कैसे उठानी है तो ये है बुनियादी तौर पे सिविक एजुकेशन का तस्वुर